कपिल भैया, हम कैसा लग रहा है यार? कैसा तो युगांडा की लोमड़ी लग रही है। कपिल भैया, मेरे अंदर से कुछ टैलेंट निकल आया है। क्यों निकाला तूने ये टैलेंट बाहर? ध्यान दीजिएगा कपिल भैया, मेरे धड़कन में सिर्फ तेरा ही नाम होगा। मेरे धड़कन में सिर्फ तेरा ही नाम होगा। मेरे सीने पर आकर कान लगा। बकवास बंद कर, चौराहे पे जाके नान लगा, चल। क्या सुना रहा है ये तू? ढंग का सुनाओ कुछ है तो। सुनिएगा जरा, सब आदमी ध्यान देकर सुनिएगा जरा, एक और है जी। टैलेंट को कितना भी दबा ले वो ऊपर आएगा। टैलेंट को कितना भी दबा ले वो ऊपर आएगा। सर इसको 10-10 रुपए दो, ये तभी जाएगा। ये नहीं जाएगा ऐसे। कपिल भैया, मेरा टैलेंट आपको 10 रुपए का लग रहा है? 15 ले ले। सब लोग ध्यान दीजिएगा, कपिल भैया के लिए मैंने 2 पंक्तियां लिखे हैं। कहाँ 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 जाऊँ मैं? पहाड़ में जा, हमें क्या ले? ये अच्छी जगह है, यहाँ पे जाए आप। ध्यान से सुनिए कपिल भैया, कहाँ 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 जाऊँ मैं, तेरी याद मुझे ना जकड़े। 1000 रुपया मैं कैश दूंगा जो आके इसका गला पकड़े। कपिल भैया, आप सीधे सीधे बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। मैं पहले बोल देता हूँ, गेट आउट। ध्यान से सुनिए जरा, कि मैंने उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। उसके मोहल्ले कार का शीशा तोड़ दिया, उसके बाद में उसके बाप ने इसका नींबू जैसा मुंह निचोड़ दिया। कपिल भैया, कच्चा आम तेल में डालो तो जलता है, इश्क और जंग में सब चलता है। इतना बेशर्म आदमी है ना सर, मैं क्या बताऊँ आपको? सर मैं एक बात बताऊँ, मैं एक शूटिंग पर एक हीरोइन को कंगन पहनने का सिखा रहे थे। पूरी बता, कंगन पहनाया उसके बाद में चोली पहनाई, लहंगा पहनाया, फिर उन्होंने इसका घूंघट निकाला, आप यकीन नहीं करेंगे, फिर दिल है कि मानता नहीं, 2.5 घंटे नाचा ये। कपिल भैया, आपने मुझे बहुत बेइज्जती कर ली, लेकिन एक है, ध्यान से सुन लीजिए, फिर मैं चला जाऊंगा। कि इश्क तेरा फेसबुक का स्टोरी जैसा, कि इश्क तेरा फेसबुक का स्टोरी जैसा, मुंह तेरा कूड़े की बोरी जैसा। कपिल भैया, मेरा शायरी को आपने कचुमर बना दिया, मैं यहाँ पर 1 सेकंड में नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन कपिल भैया मैं फिर कल आऊंगा, आप याद रखना।